बढ़िया होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से नए वाले वीडियो में। तो बहुत सारे लोग आप लोगों की कमेंट आ रहे थे तो मैं कमेंट यहाँ पे लिख के बैठ गया हूँ, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम थी। ठीक है, यूजी जो काउंसलिंग चलने लग रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। होपफुली वॉइस वगैरह सही आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है बी ए बी एस सी फीस सबमिशन का। ठीक है, फीस सबमिशन आप लोग कर सकते हैं। आज कितना आप लोगों का हो गया है, 27 आज हो गया है, 29 सितंबर तक आप लोग फीस सबमिट कर सकते हैं बी ए बी एस सी वाले। ठीक है, बी ए बी एस सी वाले 29 सितंबर तक अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के मैं अभी जैसे कल थोड़ा साइड में ग्लिच आ रहा था, तो आप लोग ये देख लीजिए कि आपका सही से पोर्टल खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है, मोबाइल में दिक्कत आ रही है, मुझे पता है। मोजिल्ला फायरफॉक्स करके एक वो आता है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अच्छा ब्राउजर है, तो उसमें जाके करिए, ओपन भी हो रहा है, मैंने कई लोगों का ओपन करके देखा है। ठीक है, तो क्रोम में ना करिए, क्रोम में नहीं सपोर्ट कर रहा है, ना डेस्कटॉप मोड में सपोर्ट कर रहा है और ना पीसी में क्रोम में सपोर्ट कर रहा है, खाली मोजिल्ला फायरफॉक्स में कर रहा है और ओपेरा मिनी में भी शायद कर जाए, तो उसमें करके करिए अपना फीस सबमिट, नहीं तो वो फंस सकता है क्योंकि पोर्टल उसमें सही से रन नहीं हो रहा है। ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ बी ए बी एस सी मतलब जिन लोगों ने अपग्रेडेशन में डाला है, ठीक है, तो उनका रिजल्ट कब तक आएगा, पहले इन लोगों का जब तक फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, मतलब एक दो दिन और लगेगा आप लोगों का। ठीक है, ये हो गई अपग्रेडेशन की बात, अपग्रेडेशन वाले सुन लीजिए। और हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस का कुछ लोगों ने पूछा है, ठीक है, तो हॉस्टल अलॉटमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी अलग से कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं आई है। आपको क्या करना है, जब आप फीस सबमिट करेंगे तो वहीं पर ₹50 आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेता है हॉस्टल में करने की, वहीं पूछता है कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, यस और नो कर दीजिए, अगर चाहिए हो तो यस कर दीजिए तो ₹50 वहाँ पर पढ़ के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे फॉर्म वगैरह जो भी वो फिल करवाएंगे, ठीक है, वो बात की बात है, अभी तो यस कर दो, अगर अभी यस नहीं करोगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बाद में मिलने का कोई चांस नहीं है, या बाद में फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अभी अगर चाहिए या कन्फ्यूजन में तो यस कर दो भाई, ₹50 ही आप लोगों के लग रहे हैं। ठीक है, फीस कितना देना है आप लोगों को, फीस वगैरह सब नीचे लिख के आ जाता है। अपग्रेडेशन का फीस अलग है, यूजी काउंसलिंग की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दी है, अभी मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसमें सारा कुछ लिखा है कि आप लोगों का अपग्रेडेशन का फीस कितना है और किस कोर्स का कितना फीस है। ठीक है, जब आप अपने पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का फीस खुद ही दिखा देगा। और फीस वगैरह आप लोग यूपीआई से नहीं करिए, यूपीआई से फंस जाता है, आप लोग बात मानिए, यूपीआई मतलब ये है वहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन देता है, आप यूपीआई पे क्लिक करते हैं देन वो आपका गूगल पे पर रिफ्लेक्ट कर देता है या पेटीएम पर रिफ्लेक्ट कर देता है या जिस भी यूपीआई ऐप से आप लोग करना चाहते हैं। पर क्या होता है, जब आप ऐप पे जाते हैं वहाँ से पेमेंट कर देते हैं तो वो फिर वापस से आपके पोर्टल पर नहीं आ पाता है और पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है, जबकि वो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, या मतलब आपको जैसे ही आप डन करेंगे तुरंत आपको स्क्रीन आपका उस ऐप पुराने वाले आपके साइट पर ले जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसा शुरू से ही एरर है। ठीक है, तो आप लोग उससे नहीं करिए जल्दबाजी के चक्कर में, प्लीज़ कार्ड से करिए, डेबिट कार्ड से करिए, क्रेडिट कार्ड से करिए, या आप जो भी नेट बैंकिंग उससे करिए, वो आपका सही चलेगा। ठीक है, उसमें फिर फंस जाता है, फिर आप वहाँ कैशियर ऑफिस के चक्कर लगाते घूमते हैं तो फिर वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा मैनुअल डिटेल डाल के कर लो, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट का कब होगा, तो भाई देखो जब फर्स्ट का कम्प्लीट हो जाएगा तभी सेकेंड अलॉटमेंट का आएगा। ठीक है, रिजल्ट क्योंकि जो सीटें बची होंगी या जिनका कंफ्यूजन होगा तभी वो सेकंड अलॉटमेंट में वो खुद ही चले जाएंगे। आज जो पेपर में आर्टिकल आए हैं मैं अभी आप लोगों को डिवाइस की स्क्रीन पर ले जाऊंगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड कैंपस क्या लिखा है, सेकंड कैंपस नहीं मिला, हाँ तो देखो इसमें यह है कि अगर आप लोगों को जैसे कैंपस नहीं मिला है, ठीक है, या आप लोगों को कोई कॉलेज दे दिया है, ठीक है, तो आप लोग अपग्रेडेशन में आप लोग अपना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी वो कोई कंफर्मेशन नहीं कि आपको मिल ही जाएगा, बस आप कर सकते हैं इतना है, और पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपको कैंपस नहीं मिला है, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तब आपका फीस रिफंड होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा रिफंड, और आप लोगों का सेकंड में तो वो अलॉट कर ही देंगे कोई ना कोई, ठीक है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आप लोगों को पैसा वापस दिया जाए। ठीक है, तो अगर नहीं मिलता है आपको इस कंडीशन में, या आपको विड्रॉ वगैरह अगर अपना करना है, तो ₹500 आप लोगों के अकाउंट में आप लोगों का वहाँ पर फॉरवर्ड आप लोगों को कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब चलते हैं मीडिया आर्टिकल्स पे जो आज के पेपर में आए, उनमें डिटेल चीज़ें बताई गई हैं। जैसे गर्ल्स वालों को, जो लड़कियाँ हैं, जो महिला छात्रा हैं, ठीक है, उनको पहले से दे दिया गया है, ठीक है, या उनको कैंपस उन्होंने भरा है और उनको कॉलेज दे दिया गया है, ठीक है, तो उनका ऐसे उठाया गया आज के मीडिया न्यूज़ पेपर वगैरह में।
तो उनका आप लोग अभी देख लेते हैं डिवाइस की स्क्रीन पे चल के, और पीजी का मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, वो वीडियो आप लोगों को 7 बजे मिल जाएगा, और ये वाला वीडियो 3:30 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं डिवाइस की स्क्रीन पर। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लाभ ईवी सीट अलॉटमेंट का परिणाम हुआ जारी, तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर मार्कर करके मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रश वगैरह मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है बीए और बीएससी मैथ और बायो एनईपी के 29 तक आप लोगों की कर सकते हैं, और आज कराना होगा ये उसका है, ठीक है। बीकॉम वालों का ये दिया गया है, बीकॉम वालों को आज कराना है, ठीक है। इसमें यही चीज़ें दी गई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। और मैं आपको डिटेल में अगर लेके चलूं, ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में देखिए लिखा हुआ है, तो ये सही से अभी खुल के आ रहा है। बीकॉम वाले जो ऑनर्स वाले उनको 10 बजे से करवाना है, आज करवा रहे होंगे वो लोग, ठीक है। और जैसे जो उनका आया था गर्ल्स का जो इश्यू आया था, वो भी इसमें दिया गया है कि अगर आपने किसी भी उसका वो नहीं भरा है, ठीक है, महाविद्यालय मतलब जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं का विकल्प नहीं दिया है और उनको महाविद्यालय आवंटित हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा नहीं करती हैं तो दूसरे अलॉटमेंट व अपग्रेडेशन में लाभ ईवी के अपग्रेडेशन के लिए शामिल होंगी। मतलब ये है कि अगर आप फीस वगैरह जमा नहीं करते हैं तो आप अपने आप ही सेकेंड अलॉटमेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यदि वे सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा कर देते हैं और दूसरे अलॉटमेंट अपग्रेडेशन में उन्हें यूनिवर्सिटी की सीट मिल जाती है, तो जमा की गई फीस वीवी की फीस में समायोजित की जाएगी, ठीक है। मतलब कुल मिलाने का कहने का मतलब ये है कि आप फीस सबमिट कर देते हैं अपग्रेडेशन वाला, ठीक है, अपग्रेडेशन करके और आपको सीट मिल जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो आप लोगों का वही फीस आप लोगों का कंसीडर कर लिया जाएगा एज अ सेमेस्टर फीस। आपको फिर से फीस सबमिट नहीं करना है, ठीक है, ये कहना है दुर्गेश श्रीवास्तव जी का जो प्रवक्ता है, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मीडिया वाला जो बेसिकली देखते हैं काम, तो उनका ये कहना है, ठीक है। जिन गर्ल्स को मिला है एफिलेटेड कॉलेज में, किसी को नवयुग मिल गया है, ठीक है, ये लिखा है चॉइस फिलिंग में कैंपस मिला डिग्री कॉलेज, ऐसा करके एक आर्टिकल आया है, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। SPDF का भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 3 कॉलेज उन लोगों को मिले हैं, तो वही चीज़ यूनिवर्सिटी का कहना है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेकंड अलॉटमेंट में उन लोगों का मे बी इश्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान की BSc व MSc की परीक्षाएँ 29 से, ठीक है, 29 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। 4 रेगुलर परीक्षाएँ रसायन विज्ञान व स्नातक की। अनिल मिश्रा ने बताया कि MSc केमिस्ट्री, MSc फार्मेटिकल और BSc तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएँ, ठीक है। जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत सारे पूछ रहे थे कि भैया कब होगा क्लास स्टार्ट, तो भाई उन लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है 29 सितंबर से, और आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा 5वें और BCom 5वें, और सेमेस्टर वही है, मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं अब। और अनिल मिश्रा सर जो कि HOD हैं रसायन विज्ञान विभाग के, मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उन लोगों ने बता दिया अभी न्यू जो नए बच्चे हैं उनका नहीं आया, क्योंकि जब तक उन लोगों का प्रोसेस पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक उन लोगों की क्लासें स्टार्ट नहीं होंगी, ठीक है। हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह भी होना है, ठीक है, तो यही इसमें दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को 29 तक आप लोगों की अपनी फ़ीस जमा करनी है, ठीक है। बाकी अगर और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट्स करके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।